हे दोस्तों, मैं रणवीर वापस से स्वागत करता हूँ आप सभी का लाइफ पेट्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कारलेट मकाउस के बारे में। दोस्तों, ये मकाउस देखने में एकदम ब्लू ग्रीन ब्लू गोल्ड मकाउस जैसे ही नॉर्मल मकाउस की तरह दिखते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर, इनका प्राइस, इनका सब कुछ बहुत डिफरेंट है नॉर्मल मकाउस से। ये कैसे है? क्योंकि मकाउस के नियर अबाउट टोटल 17 स्पीसीज पाए जाते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली और वेरी करता है उनके ब्रीड वाइज, और कुछ ब्रीड्स तो पालने के लिए है भी नहीं। नियर अबाउट 10 ब्रीड्स है जो कि पाला जा सकता है, और इनमें से एक है स्कारलेट मकाउ, जो कि बहुत महंगे आते हैं। सो दोस्तों, चलिए आप बात करते हैं इनके लुक्स के बारे में। सो दोस्तों, ये दिखने में बहुत ही सुंदर और बड़े टाइप के पैरोट्स हैं, जिनके बॉडी और फेदर में 3-4 लेयर्स होती है कलर्स की। बट इन स्कारलेट मकाउस का मेन कलर जो है वो है रेड। उनके आइज़ की तरफ वाइट रिंग्स होता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिखता है दिखने में। बट इन रेड कलर में इनके फेदर के मिडिल पार्ट में येलो कलर के शेड्स होती है। जितने टायर्स होंगे, मतलब ये येलो कलर जो मिडिल में है उस पर जितने भी शेड्स होंगे, मैक्स 3 शेड हो सकते हैं। जितने ज़्यादा शेड होंगे उतना ही महंगा उनका दाम होगा। ये वेरी करता है क्वालिटी, साइज और ब्रीड के अनुसार। दोस्तों, उसके बाद उनके नीचे जो है वो डीप ब्लू है, जो कि उनके कलर को और भी ज़्यादा बहुत सुंदर तरीके से हाईलाइट करते हैं। उनका असली कलर तो रेड है, उनमें ये येलो, लाइट ब्लू और डीप ब्लूइश में ऊपर जो येलो कलर है वो उनके कलर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है, और इनसे उनकी प्राइस जो है बहुत ही हाई हो जाती है। दोस्तों, अगर हम उनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो ये आराम से 40 से 50 साल हमारे पास बच जाएंगे। और अगर उनकी फरवरिश वाइल्ड की तरह प्रॉपर ग्राउंड नट्स, उसके बाद प्रॉपर डाइट से हो, तो ये 60-65 साल तक आराम से बच जाएंगे। उनकी नेचर जो होती है वो बहुत फ्रेंडली होती है, बट वो अकेले रहना थोड़ा बहुत पसंद करती है। नॉर्मल मकाउस की तरह वो फ्रेंडली नहीं होती, बट नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती है। टॉकिंग ये लोग करते हैं, बट ये सिर्फ एक दो वर्ड्स ही बोलते हैं, ना कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस बोलते हैं। ये सिर्फ कुछ वर्ड्स की मिमिक्री ही कर पाते हैं। अब उनकी डाइट की बात करें तो दोस्तों, उनको तो आप बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन उनका मेन बेसिक जो इम्पॉर्टेंट डाइट है वो है सीड्स। आप उनको सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन के जो सीड्स होते हैं उनको ड्राई करके आप उनको दे सकते हैं, पाइन नट्स, एलमंड्स, वो सब आप उनको दे सकते हैं। उसके अलावा भी आप बाकी बर्ड्स की तरह उनको भीगे हुए चने, वो सब भी आप दे सकते हैं। उनकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो आप उनको होल कॉर्न, कैरोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीस, कैबेज, वो सब भी आप उनको दे सकते हैं। फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, वो सब भी आप उनको दे सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप बात करते हैं उनकी केज के बारे में। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम इतने कॉस्टली बर्ड्स को जो है टेम ही लिया जाता है, जो कि हैंड में बैठने और लोगों के साथ फ्रेंडली होती है। सो गाइस, टेम बर्ड्स को रखा जाता है उनके स्टैंड में एक लॉक लगा के, या फिर हाथों में। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग केज में नहीं रहते। अगर आप उनको पार्ट टाइम के लिए केज में रखते भी है, तो भी उनका केज नियर अबाउट लेंथ में उनको नियर अबाउट 10 फीट होना होगा, और हाइट में उसको नियर अबाउट 7-8 फीट होना होगा उनके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। बेसिकली तो केज में आप अगर आप बर्ड्स इन बर्ड्स को लाए हैंड टेम जो कि बाहर रहते हैं, तो आप 4-5 घंटे के लिए केज में रखेंगे, उस टाइम पे भी इतना बड़ा केज चाहिए। और अगर आप ब्रीडिंग पर्पस के लिए रख रहे हो, तो एक नॉर्मल रूम जो होता है, नॉर्मल रूम जिसका लेंथ नियर अबाउट 22-25 फीट तक लेंथ होता है, और हाइट जो है 10 फीट तक होता है, उस रूम टाइप के एक केज बना लो, जहाँ पे प्रॉपर आप उनके बैठने के लिए अरेंजमेंट कर दो और प्रॉपर नेस्ट बॉक्स दे दो। वो दो स्कारलेट मकाउस के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब एंड में इनकी बात करते हैं उनकी प्राइसिंग की, तो उनकी प्राइस जो है 4.5 लाख से स्टार्ट होती है माई फ्रेंड। 4.5 लाख जो है उनकी सिर्फ फर्स्ट अमाउंट है, मतलब ये स्टार्ट होती है इससे। अगर वो बच्चा हो, नॉर्मल क्वालिटी में हो, और कहीं पे अगर आपको सस्ता मिल रहा हो, तो फिर आपको 4.5 लाख रुपए में मिलेगा। अगर वो थोड़ा बड़ा हो, हैंड टेम हो, उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ सकती है। अगर उसके उस पर DNA पेपर हो, उसके माँ बाप बढ़िया नस्ल के हो, उसके बढ़िया DNA हो, DNA पेपर्स के साथ हो,
ब्रीड अच्छा हो और हेल्थ अच्छी हो तो फिर प्राइस और भी हाई हो सकती है, बट स्टार्ट हो जाता है 4.5 से 5 लाख के बीच में, वो आप एंड कर सकते हैं 20 लाख के करीब आप उनको एंड कर सकते हैं। अगर एक्सट्रीम में चला जाए तो 20 लाख हो जा, नहीं तो 4.5, 5, 6, 7 लाख में आपको आराम से ये बर्ड्स मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़े कॉस्टली बर्ड्स होते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको मकाउस बर्ड के सारे स्पीसीज के बारे में जानना है, उनके पेट बर्ड्स जो है उनके बारे में जानना है, और वो जो सबसे महंगा मकाउ के बारे में जानना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आगे भी इसके रिलेटेड वीडियो और लाऊंगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड योर पेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।